बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह। और मैं आज बनाने वाली हूँ पाव भाजी और पानी पूरी विथ वन स्टफ ओनली। और कुछ तरकारियाँ ली है, बीन्स की फली, आलू, गाजर, टमाटे और मटर, जो कि आजकल बहुत ही अच्छे फ्रेश फ्रेश से आ रहे हैं, तो मैंने भी एक्सप्लोर किया है, आप लोग भी कर लीजिए। और सारे ही वेजिस को कुछ काटे हैं तो कुछ वॉश किए हैं अच्छे से, और सारे ही वेजिटेबल्स को मैंने एक कुकर में ऐड कर दिया है। विथ लो बटर एंड ऑयल मैं इसको बनाऊंगी, इंशाल्लाह आप सबको भी पसंद आएगा, आप लोग भी ट्राई करिए। वेजिटेबल्स को कुकर में ऐड करने के बाद मैंने इसमें कुछ बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं, और वो हल्दी, मिर्ची, नमक और अदरक लहसुन पेस्ट है। कुछ पानी ऐड किया है और दो बड़े चम्मच तेल। वैसे पाव भाजी में बहुत बटर का यूज़ होता है, बट मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। और हरी मिर्च तो मैं बिल्कुल ही भी इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बीन्स की फली ऐड की है, तो फिर दोनों में कंफ्यूज़ होके बीन्स की फली और मिर्च में किसी के मुंह में गड़बड़ ना कर दे, इसीलिए बस। अच्छा सा मिक्सअप कर लिया है सारे तरकारियों को मसाले पानी के साथ, और इसको लगा दूंगी प्रेशर पे 4 सीटी के लिए। सीटी हो गए हैं, अब मैं प्रेशर रिलीज़ कर रही हूँ, और देखा तो सारी ही वेजिटेबल्स अच्छे से गल गई थी जैसे मुझे चाहिए था। और मैं पाव भाजी मसाले को पूरे पेस्ट जैसा नहीं कर रही हूँ, इसमें थोड़े से रफ़ वेजिटेबल्स भी रहेंगे, तो इसको मैश कर रही हूँ। मैशर मेरा मिस हुआ हुआ है घर पे, तो बाद में ढूंढ लूँगी। खैर मैं इसको दाल घुटनी से अच्छे से मैश कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप पूरा पेस्ट बना ले। पर्सनली मेरे घर पे पेस्ट जैसा पाव भाजी मसाला पसंद नहीं करते, कुछ जंक्स पसंद करते हैं, तो मैंने फिर इसको तो थोड़े से रफ़ वेजिटेबल्स इसमें रहने दिए, और ऐड किया है पाव भाजी मसाला जो कि बादशाह ब्रांड से है, आप कोई भी ब्रांड ले सकती हैं। और मैंने यहाँ बड़े 2 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला मिक्स किया है। इसको हल्के आंच पे पकने दूंगी कुछ देर के लिए। और तब तक मैं इन ब्रेड्स की तैयारी कर लूं, साथ में तवा भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। और पाव के बदले मैंने ये ब्रेड मंगाई है समोली, और मैं इस तरीके से इसको बीच में कट लगा के अंदर के हिस्से की ब्रेड राइट लेफ्ट में प्रेस कर देती हूँ, ताकि इसमें फिलिंग अच्छी सी सेट हो जाए, और जब बच्चे खाएंगे तो वो फिलिंग के साथ ही खाएं, गिरा ले नहीं, बस इसलिए। 1 स्पून बटर का लिया है, ये अमूल बटर है सॉल्टेड, और इसमें थोड़ी सी पाव भाजी ऐड करी है, बिल्कुल 1 टीस्पून जितनी, शायद उससे भी कम। और उस पे मैं ब्रेड्स को सेक लूँगी, सारे ही ब्रेड्स को। सिके हुए ब्रेड हो गए हैं रेडी, और यहाँ आ जाता है बहुत ही तवज्जो वाला काम, जो कि
मुझे करना पड़ता है अपने घर में, शायद आप लोग नहीं करते होंगे, बट यहाँ किसी को चीज़ के साथ, किसी को केचप मायो के साथ, या फिर किसी को ओनली केचप के साथ चाहिए, तो वही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ। जब इतनी मेहनत से बनाया है तो खुशी से कोई खाए तभी अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ी सी मेहनत और कर लेती हूँ, जिसको जैसा पसंद हो वैसे सर्व करने की कोशिश करती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है मायो और केचप, और इसमें अप्लाई कर रही हूँ, और साथ में पाव भाजी मसाला भी इसमें फिल कर रही हूँ, और सारी ही स्टफिंग थोड़ी थोड़ी अलग करूँगी। इसमें मैंने चीज़, बटर, केचप मायो और पाव भाजी स्टफिंग के साथ अलग अलग थोड़े थोड़े से अलग अलग तरीके से इसमें स्टफिंग करूँगी, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार लाए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा, और जो कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी जल्दी में थी क्योंकि पकने में तो देर नहीं लगती, बट भूख लगने में और इसे ख़त्म करने में बिल्कुल ही देर नहीं लगती। माशाल्लाह सब खा लेते हैं, और फिर थोड़ा सा अलग कर ली थी मैं ताकि मुझे याद रहे कि किसके लिए मैंने कौन सी ब्रेड बनाई है, बस वही हिसाब से सर्व कर रही हूँ। और पाव भाजी मसाला एक्स्ट्रा होगा तो मैंने कटोरी में ऐड कर दिया है, वो खा लेंगे। और ये मेरा है, अब सिंपल था बट बहुत ही टेस्टी लग रहा था। बस रोज़ के खाने, चावल, रोटी, चिकन, मटन सब खा के बोर हो जाते हैं, तो ये खाने, कटोरे खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और ये हो गया था हम लोगों का ब्रेकफास्ट, और फिर हो गई थी शाम। तो सोच कर ही स्टफिंग बढ़कर बनाई थी ताकि मैं पानी पूरी भी आज बना ही लूँ। और फिर ये रहे गोलगप्पे, पानी पूरी, और पूरी इसको फ्राई कर लूँगी। और घर पर आज हस्बैंड थे नहीं तो हम लोगों ने हमारे पसंद के ही खाने खाया सारे दिन, वो होते तो खाने रोटी सालन ही चलता। बच्चे भी बहुत खुश थे आज कि उनके पसंद की सारी चीज़ें मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो गई है पूरी बनकर रेडी। कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, हरी मिर्च,
पूरीस तो हो गई है बनके रेडी, ये स्टफिंग भी तैयार है। अब बना लें मसाले वाला पानी। बड़े से बोल में पिसा हुआ हरा मसाला पेस्ट और साथ में आमचूर पाउडर, इमली वगैरह मैंने नहीं ऐड किया है यहाँ क्योंकि कच्चे खट्टे से अक्सर ही खांसी सर्दी हो जाती है, बस इसीलिए। और यहाँ चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, 1 से 1.5 टेबलस्पून, और फिर जिसमें पीसा था वो जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको घोल के मैंने वो यहाँ ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि लम्स इसमें ना रहे, स्मूथ सा हो जाए ये बस। और अगर आपके पास खारी बूंदी हो तो भी आप इसमें ऐड कर लें, बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें ऐड किया है करीबन 1.5 लीटर के जितना ठंडा पानी, और यहाँ फिर से मैं गरम कर रही हूँ थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड करके, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद बहुत टाइट सा हो जाता है, ड्राई ड्राई सा हो जाता है पाव भाजी मसाला। तो फिर थोड़ा सा इसको स्मूथ टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है और गरम कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है। इस पे ऐड किया है मैंने यहाँ प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज या फिर अंडे की प्याज आप कह लो, पानी में नमक की थोड़ी सी कमी आ रही थी तो वही मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ताकि एकदम से परफेक्ट टेस्ट हो जाए। और बच्चों की मस्ती फुल चालू है यहाँ। पूरी तलने के बाद मैं जब पानी और जो स्टफिंग है उसमें लगी हुई थी तो यहाँ तकरीबन पूरीज हो गई है गायब, इसलिए अक्सर ही थोड़ी सी बढ़कर पूरियाँ तल देती हूँ ताकि कम ना पड़े। और यहाँ करने लगी हूँ सर्व। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा दिन गुज़रा बच्चों के साथ, और आप लोग भी ट्राई करिए क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में ही सारे उम्र भर की यादें कैप्चर हो जाती है। तो खाना पीना चलता ही रहेगा। अब हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आज़ाद करते ग़ुलाम हज़रत हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक के आंसू से अपने दाढ़ी को तर कर देते। उनसे अर्ज़ किया गया, ये क्या बात है, क्या आप जन्नत व दोज़ख के तस्कीरा पर नहीं रोते और कब्र को देख कर इस कदर रोते हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर बंदे इससे निजात पा गए तो आगे की मंजिलें इससे
ज़्यादा आसान है, और अगर इस मंजिल से निजात ना पा सके तो बाद के मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कोई मंजर कब्र के मंजर से ज़्यादा खौफनाक नहीं देखा। सुभान अल्लाह, अपने आखिरत पे भी तवज्जो करें, दुनिया बेहतर करें, और मुझे मेरी फैमिली के साथ भी दुआओं में याद रखें। तो इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।